हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफरेंट माइंड टेक में। तो आज मैं एक नई प्रॉब्लम फेस किया हूँ, तो उस वो ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं उसको सोचा कि आप सबके सामने रखूँ, और अगर आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका सॉल्यूशन अपने से कर लें। तो जैसा कि मेरा जो प्रॉब्लम है, पास आके दिखाइए, तो ये हमारे लॉक में प्रॉब्लम आ रही है। जब हम लॉक निकालते हैं तो इसका की का है वाइड वाला पोर्शन, ये बाहर नहीं आता, इसको अलग से पुश करना पड़ता है तभी बाहर आता है, और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये जब दबा रहता है तो इधर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको निकाल लिया, लेकिन मेरा स्टीरियो ऑन है, स्टीरियो ऑन है, और आप देख सकते हैं कि की मेरे पास है। तो इससे क्या होता है, गाड़ी के बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है, और इसको चालू किया और इसको बस ऐसे निकाल लिया, लेकिन इसका जो व्हाइट पोर्शन है इसको बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा। इसको देखिए, जब हम पुश करते हैं तो ये बाहर आता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आप सबके सामने रखूँगा, और इसका सॉल्यूशन इसको खोल के देखता हूँ और रिपेयर करता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनके नीचे कवर हैं, पैनल्स हैं, इनको निकालना पड़ेगा। तो इसमें दो स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे, तो स्टेयरिंग घुमा के हम स्क्रू निकाल लेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहला स्क्रू यहाँ पे है। निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, एक रबड़ की सील होती है इसके ऊपर, ये भी खुल चुका है, दो स्क्रू खुल गए। एक स्क्रू इसमें नीचे भी होता है, वो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको भी जब हम खोल लेंगे तो हमारा ये पैनल बाहर आ जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, पूरे स्क्रू मैंने निकाल लिए हैं इसके। अब इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली बाहर आ जाता है, इसमें कुछ नहीं होता। दो स्क्रू यहाँ पे, दो एक यहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब चीज़ खुल चुका है। मैंने पीछे का इसका जो कपलर होता है लॉक का, उसको भी निकाल दिया है। अब यहाँ पे दो स्क्रू टाइप तो नहीं रहते हैं, उनको थोड़ा ठोंक के खोलना पड़ता है, जैसा कि आप दिखाओ आके, यही जो नट है इनको ठोंक के निकालना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल के बाद गाइस ये खुला है। तो आप इसके जो स्क्रू का है उसका हेड आप देख लीजिए, कंपनी ने क्या सोच के दिया है कि कोई चोर चुरा ना ले और लॉक किसी भी एंगल से खोल ना पाए, तो ये बहुत ट्रिकी है। तो आप इसको तभी करिए जब आपके अंदर पेशेंस हो, नहीं तो बिल्कुल भी मत करिए, नहीं आप उलझ जाएंगे इन सब चीज़ों में। तो अब लॉक बाहर आ गया है, उसको तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लॉक असेंबली है ये बाहर आ चुकी है, और इसको अब निकालते हैं। ये बाहर आ चुका है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब चीज़ें खुल चुका है। अब इसको थोड़ा सा और खोलेंगे तो ये इसका जो अंदर का ये लॉक सिस्टम है बाहर आ जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, देखिए और मैं क्या क्या करता हूँ। गाइस, जो यहाँ पे होल दिख रहा है, इस पर एक कुछ लोहे की वायर डालिए आप, तो ये बाहर आ जाएगा अंदर जब पुश होगा। तो जैसा कि आपने गाइस देखा, जहाँ वो पुश हुआ, अब अंदर का मैकेनिज्म मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, तो अंदर का मैकेनिज्म क्या है। तो जब ये पुश होता है तो ये बाहर आ जाता है लॉक से, क्लियर है ना अच्छे से। और इस पर आप देख रहे हैं हल्की ग्रीसिंग भी लगी है, जो कंपनी की लगी हुई है, पहली बार खुला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक है बहुत कुछ, तो इसी में हमको वापस से ग्रीसिंग करना है, क्योंकि जो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसी को देखेंगे कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। एक यहाँ पर और होता है जिसको दबा के निकालना होता है, तो उसको भी हम खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बहुत माइनर माइनर से चीज़ इसमें लगी है, तो सबको केयरफुली आपको निकालना है। और एक पिन होती है जो यहाँ पे लगी थी, इसको भी बहुत केयरफुली ही निकालना है, और घूमनी नहीं चाहिए, नहीं आपका लॉक सेट ख़राब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरी की अंदर से इस तरह कुछ निकली है। तो अब इनको मैं अच्छे से वॉश करूंगा डीजल से, और इसके बाद फिर इसमें ग्रीस करूंगा और फिर इंस्टॉल कर दूंगा दोबारा। तो चलिए ये सब करते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसको ऐसे ही वर्क करना चाहिए। और चलिए अब इसको लगा देते हैं वापस से, इसको ऑन पोजीशन में इसमें हम डालते हैं तो ये खुद खांचा में बैठ जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रॉपर वर्क करने लगा है। इसमें दो कपलर लगते हैं गाइज, एक पीछे लगता है मेन और एक जो रहता है रिले का, इमोबिलाइजर रिले यहीं पे होती है। तो इसका कपलर वापस से लगा के इसको सेट कर देते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मेन है कंसर्न इसमें कि ये बाहर नहीं आ रहा था, जो बाहर आने लगा ग्रीसिंग करने के बाद। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप इस काम को तभी करिएगा जब आपके अंदर पेशेंस हो। इतना ज़्यादा ट्रिकी है कि इसको करने के लिए आपको अपने माइंड्स को इसी में बस लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप फोकस अगर इस पर अच्छे से कर लेंगे तभी करिएगा, वरना बिल्कुल भी इसको मत खोलिएगा। क्योंकि इसमें मैं खुद, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया करने में। तो यही था, अगर आपको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है लॉक में तो आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।